अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। बिरयानी की कुछ अहम स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी बना सकते हैं। वन बाउल यहाँ पे योगर्ट लिया गया है, दही, इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून साथ ही मैं लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून पीसी सब्ज मिर्च ऐड कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से वॉश कीजिएगा विनीगर और सॉल्ट के वाटर में, इसको भी ऐड कर दिया है। साथ ही हम सिंधी बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला सिंधी बिरयानी मसाला, ठीक है। इसके साथ ही चिली फ्लेक्स मैंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा तेज़ रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद मैरिनेशन को 1 से 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। दूसरी साइड पर ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले फ्राई करेंगे। खड़े मसाले फ्राई करने से ये होता है कि ऑयल में इनका टेस्ट आ जाता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके ऐड करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने 20 मिनट्स के लिए चावलों को भुगो के रखा हुआ था ऑलमोस्ट। अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे इसको बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे अलग से एक पैन में मैंने पानी लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, बे लीफ, 2 से 3 सिनेमन स्टिक और एक बड़ी कार्डमम इलायची ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। पानी को बॉयल आने तक हम इसके साथ ही फिर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने 90 से 95% तक कुक करना है। कोशिश कीजिएगा 95% तक कुक हो, क्योंकि चावल बहुत ही ज़बरदस्त वे में सॉफ्ट बनते हैं और बनेंगे भी खिले खिले, ये मेरी यहाँ पे गारंटी होगी। इसके साथ ही कवर करते हैं और इसको मज़ीद हम पकाते हैं। दोबारा चेक करने के बाद चावलों का पानी जो है वो चावलों में जज़ब होना शुरू हो रहा है। इससे आइडिया हो गया है कि हमारे जो चावल हैं वो एकदम पकने के करीब है। दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल में मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। फ्लेम आपने मीडियम से हाई रखनी है ताकि चिकन अच्छे से योगर्ट के वाटर में पक जाए। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से स्टेन कर लिया है और आप देख सकते हैं किस कदर खिले खिले चावल हमारे इस टाइम रेडी है। तो हम इसको एक साइड पर रखेंगे जब तक हमारा सिंधी बिरयानी का मसाला ना तैयार हो जाए। 2 मीडियम यहाँ पर टमाटर ऐड कर रही हूँ और जो मैंने प्याज ब्राउन किया था उसको भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट्स के लिए कवर करेंगे और फ्लेम थोड़ा सा चींटा ज़रूर लगा दीजिएगा और फ्लेम को मीडियम से थोड़ा लो रखिएगा ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से पक जाए। पकने के साथ साथ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है और ऑलमोस्ट यहाँ पर चिकन ने ऑयल रिलीज़ करना भी शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर के लिए हम और इसको पकाएंगे ताकि जो वाटर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो। सिंधी बिरयानी हो और इसमें आलू ना हो ही नहीं सकता। आलू चाहे कच्चे भी ऐड कर लें, वो स्टार्ट में ही करें। अगर आपको बॉयल आलू ऐड करने हैं तो इस तरह आप मसाले में इनको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 70% तक आलू को पकाया है, बाकी ये मसाले में बन रहे हैं और उसके बाद दम पर चले जाएँगे तो वहाँ पर स्टीम से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट्स के लिए और यहाँ पे देखिए ऑयल छोड़ दिया है। कुछ चिकन मैंने सेपरेट कर लिया है चावलों की लेयर लगाने के लिए। अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी इस तरीके से। चावलों की लेयर कोशिश किया करें ठीक हो, इस तरह आपके चावल जो होंगे वो एक कलर के नहीं होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। 2 से 3 तरह के रंग इस पर आ जाते हैं। चिकन डाला दूसरी दफ़ा और इसके साथ ही मैंने और राइस ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। जी हाँ, सिंधी बिरयानी को इसी 2 लेयर्स में कवर किया जाता है। इसके साथ ही मैं इस पे फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे कुछ कोरिएंडर यानी धनिया ऐड करूँगी और वो भी एकदम फ्रेश होना चाहिए। बहुत ही लाजवाब राइस में से खुशबू आएगी जब आप बिरयानी के राइस खाएँगे। इन हर्ब्स का एक अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही खुशबू होती है। टमाटर में से आपने सीड्स अलग कर लेने हैं और इस तरह बारीक बारीक काट के इसके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। साथ ही हम यहाँ पे जर्द कलर यानी जर्द रंग का कलर ऐड करेंगे क्योंकि सिंधी बिरयानी में रेड कलर ऐड नहीं होता। इसके साथ ही अब हम इसको ग्रीन चिलीज के साथ ऊपर से कुछ इस तरह से कवर कर देंगे ताकि ग्रीन चिलीज जब यहाँ पे बाम्प आएगी या हीट आएगी
तो ग्रीन चिलीज का भी एक ज़बरदस्त टेस्ट चावलों में आ जाता है। कवर करेंगे 10 मिनट्स के लिए, स्टीम पे पकाना है और बहुत ही लो फ्लेम पे हर तरफ से कवर कर दें, हो सके तो एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लें। 10 मिनट्स के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो एकदम खुशबूदार बिरयानी हमारी सिंधी बन के हो गई है रेडी, जो कि देखने में भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस कदर खुशबूदार और लाजवाब है। तो हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं और डिश आउट करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब खुशबू आ रही है। तो इसको सर्व कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। और आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक लिए बब